दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। विलुप्त हो चुके गिद्ध भी भगवान राम के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाए। आज अयोध्या में सैकड़ों की संख्या में गिद्ध नजर आ रहे हैं, जो भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए उत्सुक हैं। दोस्तों जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन के दिन करीब आ रहे हैं, वहां होने वाले चमत्कारों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें सामने आ रही है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं, और कहा जा रहा है कि अयोध्या में जटायु आए हैं। पर आखिर में चमत्कार हुआ कैसे? कैसे राम जन्मभूमि चमत्कारों की नगरी बन गई है? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों गिद्ध यानी कि वो जानवर जो मरे हुए जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से वातावरण साफ रहता है, पूरे इकोसिस्टम के लिए बेहतरीन बताए जाने वाले गिद्ध साल 2000 से ही भारत में विलुप्त हो चुके थे, जिन्हें मुश्किल से ही कोई देख पाता था। लोग गिद्ध को देखने के लिए तरस रहे थे, यहाँ तक इन्हें वापस भारत में लाने के लिए तरह तरह की योजनाएं भी सोची गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर जैसे ही राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, वहां गिद्धों की लाइन लग गई, जो राम के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में वहां देखे जा रहे हैं। अब दोस्तों जो जीव इतने लंबे समय से विलुप्त हो चुके हैं, उनका इस तरह से उसी जगह पर उपस्थित होना जहां राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं, साक्षात भगवान श्री राम का चमत्कार ही है। इसलिए जैसे ही इसके बारे में मीडिया को पता चला, चारों तरफ इसकी खबर गूंजने लगी। दोस्तों जिस पल का सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले चमत्कार पर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तो तब शुरू हुआ जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध पहुंचे हैं, जो अयोध्या के वातावरण को पूरी तरह से साफ करने में लगे हुए हैं। जितने भी मरे कुचले जानवरों के मांस इधर उधर पड़े हैं, जिनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, गिद्ध उन सभी को सफाया कर रहे हैं। तभी तो अयोध्या के पास का माहौल जन्नत से कम नहीं लग रहा, जहां वातावरण इतना सुखद और बेहतरीन है मानो आप सच में रामायण के त्रेता युग में पहुंच गए हो। दोस्तों जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे और भगवान श्री राम के परम भक्त थे। रामायण में कई बार जटायु और भगवान श्री राम के बारे में जिक्र मिलता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब अपने पिता द्वारा वनवास पर आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की मुलाकात जटायु से हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने लंकापति रावण से सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। ये वही जटायु है जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोटें पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। जटायु माता सीता को बचाने के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु ऐसे ही निष्फल नहीं जाती। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में पक्षीराज जटायु का मंदिर है। ये वो स्थान है जहां सीता माता का हरण करके जब रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने यहीं पर रावण को रोका था। भगवान श्री राम के लिए सीता माता को बचाने में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा में ये प्रसंग आता है कि जब जटायु के भाई संपदी ने कहा था कि मेरे पंख कमजोर है मगर आंख दूर की चीज देख सकती है, इसलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूँ। दोस्तों यही कारण है जब से अयोध्या में गिद्धों का झुंड देखा गया, तब से लोग इसे भगवान राम का चमत्कार कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जटायु साक्षात भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने आए हैं। एक तरफ जहां कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उनका कहना है कि रामायण सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक कथा है, तो वहीं दूसरी तरफ जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ,
यहाँ होने वाली एक एक घटना इस बात का सबूत दे रही है कि न केवल भगवान राम का अस्तित्व था, बल्कि वो आज भी अपने चमत्कारों से अपने भक्तों को ये एहसास दिला रहे हैं कि राम जन्म भूमि में राम मंदिर के निर्माण से वो बड़े खुश हैं। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो जब से अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनने का फैसला लिया गया है, तब से ही भारत की काया पलट की गई है। हमारा भारत पूरी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ता नजर आ रहा है। साल 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया दहल गई, दुनिया भर की जीडीपी गिरने लगी, उनकी इकोनॉमी पर बुरा असर हुआ, लेकिन हमारे भारत ने बाजार के गिरते दौर में भी खुद को संभाला और आगे बढ़ता चला गया। तभी तो आज कई सारे विद्वान ये कहने पर मजबूर हैं कि ज्यादा नहीं, बस एक दो दशक बाद भारत दुनिया की वो ताकत बनकर सामने आएगा जो आज तक कोई नहीं बन पाया। और इन सभी की शुरुआत तभी हो गई जब भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ, जिससे साफ पता चलता है कि भारत पर जब भगवान राम का आशीर्वाद आ चुका है तो ये सब तो फिर भी शुरुआत है। कई बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तब भारत की तरक्की और भी कई गुना बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे हम अपने सनातन धर्म से जुड़ी जड़ों को मजबूत करते जाएंगे, वैसे वैसे हम वापस से सोने की चिड़िया बनने की राह में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि रामायण और महाभारत सिर्फ काल्पनिक कथाएं हैं, उनके लिए हमारे देश की तरक्की और अयोध्या में होने वाले चमत्कार इस बात का सबूत हैं कि आने वाला दौर सनातन का दौर होगा। जिसे लोग काल्पनिक कथाएं कहते हैं वो हमारे इतिहास के रूप में जाने जाएंगे। वैसे आपका अयोध्या में बनकर तैयार राम मंदिर पर क्या कहना है और वहां होने वाले चमत्कारों को सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।